YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे हम जो ब्रॉड रिव्यू है मार्केट का, जो की हम हर सैटरडे या संडे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। देखिये निफ्टी जो है काफी शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी का ब्रेकआउट क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बना रखा था। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए निफ्टी में यहाँ जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि निफ्टी जो इस ट्रेंड लाइन को अपना रेसिस्टेंस बना रखा था और यहाँ पर जबरदस्त ये ब्रेकआउट दे रखा है। और ब्रेकआउट के बाद इसमें कितनी तेजी आती है ये हमें देखना होगा। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो ये रीजन हमारा रेसिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पर देखना है क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, क्या इस ब्रेकआउट के बाद हमें तेजी देखने मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा टारगेट आएगा होगा 17,635 का, फिर जो यहाँ पर हमारा सेकेंड टारगेट होगा वो 18,145 का, फिर इसका जो ऑल टाइम हाई है उसका हम वेट करेंगे, उसको ब्रेक करे, उसको ब्रेक करता है निश्चित रूप से हमें यहाँ काफी गजब का तेजी देखने मिलेगा। अब वही सपोर्ट रीजन की बात करें, जो नीचे सपोर्ट रीजन है वो है 16,890 का, ये पहला सपोर्ट रीजन है। और नीचे जो इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट रीजन है वो है 16,425 का। फिर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी का, तो देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर काफी जबरदस्त रूप से यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस रीजन है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो अगर बैंक निफ्टी में गिरावट होती है तो निश्चित रूप से ओवरऑल मार्केट को ये गिराएगा, क्योंकि निफ्टी में जो वेटेज है बैंक निफ्टी का काफी जबरदस्त है। जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक हो गया, SBI हो गया, तो ऐसे ऐसे बैंक है जिसके निफ्टी में वेटेज काफी ज्यादा है और उन्हीं स्टॉक्स का निफ्टी बैंक में भी वेटेज ज्यादा है। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक गिरता है तो निश्चित रूप से निफ्टी में भी गिरावट आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर सपोर्ट रीजन की बात करें तो निफ्टी बैंक में जो सपोर्ट रीजन है हमारा वो ये रीजन है 34,250 का, तो इसको ब्रेक करता है काफी ज्यादा हम बेरिश हो जाएंगे। साथ ही साथ बात करें कि बैंक निफ्टी के बेरिश होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है ये 200 डे के मूविंग एवरेज के काफी नीचे चल रहा है। देख सकते हैं 200 डे के मूविंग एवरेज, तो हो सकता है यहाँ पर जिस तरह से ये लगातार यहाँ पर 200 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, उसी तरह से 200 डे के मूविंग एवरेज से रेसिस्टेंस लें और यहां से हमें गिरावट देखने मिले, यहां से रेसिस्टेंस लेकर के, तो अगले दिन हमें देखना पड़ेगा क्या इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो कि यहां पर 200 डे का मूविंग एवरेज का भी रेसिस्टेंस है और साथ साथ ये भी लेवल का हमारा रेसिस्टेंस है। फिर एक अन्य जो यहां पर रेसिस्टेंस लेवल है उसकी बात करें तो वह है 37,375 का, तो ये भी काफी जबरदस्त यहाँ पर रेसिस्टेंस है। फिर यहाँ पर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो अगला रेसिस्टेंस है वह 40,100 का, तो ये भी काफी जबरदस्त रेसिस्टेंस है। तो ये कई सारे रेसिस्टेंस है जिसका यहाँ पर बैंक निफ्टी फेस करना है और इन सारे रेसिस्टेंस को ब्रेक करके जब ये ऑल टाइम हाई को अपना ब्रेक करता है निश्चित रूप से यहाँ पर काफी जबरदस्त यहाँ पर तेजी हमें देखने मिल सकता है। अब उसके बाद सेंसेक्स की बात करें तो देखिये सेंसेक्स यहाँ पर काफी जबरदस्त रूप से यहाँ पर जो है तेजी दिखाया है, जैसा निफ्टी हमें देखने मिला है तो सेंसेक्स में भी काफी जबरदस्त तेजी है। और यहाँ पर ये अगला जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ तक आ सकता है, जो कि 59,125 का। तो अगर निफ्टी में तेजी होता है तो सेंसेक्स में भी सेम रूप से यहाँ पर तेजी होगा, तो सेंसेक्स में भी देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट जो ये रेसिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस उसको ब्रेक किया है, तो हमारा निफ्टी भी काफी बुलिश है सेंसेक्स भी, लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें वीकनेस देखने मिला है। उसके बाद जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे हम बात करें क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल में भी काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला हमें। देखिए पिछले दिसंबर महीने में क्रूड ऑयल में भी हमें जबरदस्त तेजी देखने मिल रहा है यहाँ पर दिसंबर महीने में, और यहाँ पर पूरी तरह से हम इसको बुलिश भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा क्रूड ऑयल यहाँ पर साइडवेज है। फिर यहाँ पर गोल्ड की बात करें तो देखिए गोल्ड भी यहाँ पर जो है साइडवेज चल रहा है दिसंबर महीने में। फिर बात करें यहाँ पर बिटकॉइन का, बिटकॉइन देखिए लगातार यहाँ पर बेरिश मोड में है, तो देखिए बिटकॉइन में यहाँ देख सकते हैं गिरावट हो रही है, तो ये ट्रेंड लाइन जब तक बिटकॉइन ब्रेक नहीं करता है तब तक हम बिटकॉइन में बुलिश नहीं होंगे। ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो हमारा अभी बेरिश मोड में है, तो इस गिरावट में बाय ऑन डिप करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बाइंग किया था तो यहाँ पर हमने किसी और दूसरे टोकन में बाय किया है, तो यहाँ छोटे छोटे अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है, तो आप भी कर सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट सीखने के लिए। फिर बात करें यहाँ पर US डॉलर INR के वर्सेस, जो डॉलर है वो रुपये के वर्सेस काफी मतलब यहाँ पर वीक हुआ है। देखिए यहाँ पर रुपया हमारा काफी वीक था, मतलब एक डॉलर जो है 76 रुपीज के ऊपर था, अब यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर रुपया स्ट्रांग हुआ है,
तो यहाँ पर रुपये स्ट्रांग हुआ है, तो एक डॉलर जो है मात्र 74 रुपीज 50 पैसा के आसपास है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर डॉलर जो है स्ट्रांग हुआ है। उसके बाद देखिए अलग अलग जो इंडेक्सेस है, जैसे निफ्टी जूनियर, तो देखिए निफ्टी जूनियर इस मतलब जो चैनल है डाउन चैनल है इसमें है, तो यहाँ पर आता है सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पर रेसिस्टेंस लेता है, तो कुछ इस तरह से चल रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जो हमारा निफ्टी जूनियर इंडेक्स है जिसको निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं वो ब्रेक नहीं करता तब तक यह बुलिश नहीं होगा, तब तक हम ये डाउन चैनल में एक तरह से चल रहा है निफ्टी हमारा जो नेक्स्ट 50 है। उसके बाद निफ्टी मिड कैप ये भी उसी तरह से देख सकते हैं एक चैनल में चल रहा है, यहाँ पर ये भी एक चैनल बना रखा है, तो निफ्टी जो मिड कैप है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर बेरिश है। फिर यहाँ पर देखिए निफ्टी स्मॉल कैप ये भी काफी बेरिश है, देखिए निफ्टी स्मॉल कैप ये भी काफी बेरिश यहाँ पर दिख रहा है, ये इस चैनल में यहाँ पर चल रहा है। फिर देखिए एफएमसीजी जो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर है ये भी काफी ज्यादा देखिए डाउन ट्रेंड में लगातार लोवर हाई बना रहे, लोवर हाई लोवर हाई, तो ये भी काफी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फिर जो आईटी सेक्टर है ये देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आईटी सेक्टर में काफी तेजी हमें देखने मिला, यहाँ पर जबरदस्त आईटी सेक्टर में ब्रेकआउट देखने मिला है। फिर देखिए फार्मा सेक्टर ये काफी ज्यादा यहाँ पर तेजी में है, तो यहाँ पर फार्मा सेक्टर अपना बॉटम आउट किया, फिर यहाँ पर काफी गजब का तेजी फार्मा सेक्टर में हमें देखने मिला। फिर देखिए फाइनेंशियल सेक्टर ये भी काफी देखिए वीक है, यहाँ पर लगातार लोवर लो बना रहा है, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी वीक है। फिर ऑटो सेक्टर देखिए, ऑटो सेक्टर यहाँ पर डबल टॉप लगाने के बाद ऑटो सेक्टर भी काफी ज्यादा यहाँ पर वीक दिख रहा है। फिर देखिए जो मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर भी काफी वीक है, तो यहाँ पर देखिए मेटल सेक्टर में लगातार गिरावट हो रहा है। फिर रियलिटी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर देखिए ये भी काफी वीक है, लगातार लोवर लो बना रहा है। फिर इंफ्रा सेक्टर ये भी लगातार लोवर लो बना रहा है, तो इंफ्रा सेक्टर भी वीक है। फिर मीडिया सेक्टर ये देखिए अपने सपोर्ट के पास है, अगर यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मीडिया सेक्टर वीक होगा, अदरवाइज अभी साइड पे चल रहा है। फिर एमएनसी, तो देखिए एमएनसी जो यहाँ पर है ये भी देखिए एक रेंज में चल रहा है, मतलब जो डाउन चैनल है देखिए डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है, फिर इस लाइन पर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, तो कुछ इस तरह के रेंज में फंसा हुआ है जो एमएनसी सेक्टर है। फिर देखिए यहाँ पर जो कंजम्पशन सेक्टर है ये भी एक यहाँ पर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना रखा और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर आता है, इस पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस लेता है, तो ज्यादातर जो चीजें है अभी वो डाउन एक चैनल बना रखा है, मतलब एक डाउन ट्रेंड में है, या कहें जो लॉन्ग टर्म है उसमें हम बुलिश हैं, शॉर्ट टर्म में जो हमारा स्विंग है शॉर्ट टर्म का स्विंग वो डाउन ट्रेंड में है। फिर देखिए यहाँ पर सर्विस सेक्टर ये भी उसी तरह का एक चैनल बना रहा है डाउन चैनल, या कहे कि यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न है, मतलब एक रैली हुआ उसके बाद एक फ्लैग तरह का ये निर्माण कर रहा है, अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है तो बुलिश हो जाएंगे, अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम बेरिश हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये बना रखा है ये ट्रेंड लाइन, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम बुलिश हो जाएंगे, ऐसे भी लॉन्ग टर्म जो वीकली चार्ट है हमारा सबका बुलिश है, शॉर्ट टर्म पे हम बेरिश हैं। अब उसी तरह देखिए पीएसयू बैंक काफी ज्यादा वीक है, इसका चार्ट तो इसमें कोई रिकवरी भी नहीं देखने मिला है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि काफी वीक है। आईटी सेक्टर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, फार्मा सेक्टर में तेजी देखने मिला है, तो आप आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में अभी बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। ऐसे भी आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर काफी बेहतरीन है, फार्मा में खास करके जो सन फार्मा है उसमें काफी तेजी देखने मिला था। तो ये ओवरऑल आज का एनालिसिस था, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।